नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर कालिदास अकेडमी परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे। सारस्वत अतिथि श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म भूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य चित्रकूट थे। अध्यक्षता संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने की। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल थे। कालिदास समारोह के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा पद्म भूषण बुद्धादित्य मुखर्जी कोलकाता, पद्मश्री डॉक्टर पुरु दाधीच इंदौर, वासुदेव कामत मुंबई एवं फिल्म अभिनेता व रंगकर्मी राजीव वर्मा भोपाल को शासन के प्रतिष्ठा अलंकार राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विभूषित किया। मिशनरी स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला आया सामने, पालकों ने किया हंगामा। तराना थाना क्षेत्र के रूपाखेड़ी रोड स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक शिक्षक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को पिछले कई दिनों से अंजाम दिया जा रहा था। पीड़ित बच्चियों ने अभिभावकों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद आज सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम स्कूल पहुंची, जहां शिक्षक को हिरासत में लिया गया। बच्चों ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक लीजो सर द्वारा कई दिनों से बैड टच किया जा रहा था, जिसको लेकर बच्चियों ने शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर तराना थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले में जांच शुरू की। वर्तमान में आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। रिकवरी कर लौट रहे निजी बैंक के फील्ड ऑफिसर से नकाबपोश बदमाशों ने 1,68,000 रुपए लूटे। नम्र फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रिकवरी एजेंट कृष्णपाल पिता नरबत सिंह निवासी महावीर बाग कॉलोनी और नंद किशोर पिता सावन ठाकुर निवासी नवरंगपुरा संकल आष्टा दोनों शुक्रवार शाम विभिन्न क्षेत्रों से रिकवरी कर उज्जैन लौट रहे थे। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत माँ उमिया कोल्ड स्टोरेज के पास प्लेटिना बाइक से आए 3 लोगों ने उनकी बाइक को कट मारी, जिससे दोनों गिर गए। कट मारने की बात को लेकर दोनों रिकवरी एजेंट और बदमाशों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाशों ने दोनों रिकवरी एजेंट पर पिस्टल तान दी और उनके बैग से लगभग 1,68,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात, एटीएम और 2 चेकबुक लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरी घटना के दौरान बदमाशों के पिस्टल की एक मैगजीन घटनास्थल पर ही गिर गई, जिसमें 2 जिंदा कारतूस भी पाए गए हैं। दोनों रिकवरी एजेंट पवासा थाने पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी दी। पार करने के बाद में होल्ड स्टोर है उसके थोड़ा सा उसके आगे आए और हमारे साथ में घर पीछे से हमारी साइड चल रहे थे और उधर से पीछे से गाड़ी आई थी। हमारे पीछे जैसे गाड़ी आई तो ऐसी गाड़ी में उसने झटका दिया था, मतलब कि कट मारा है गाड़ी में कुछ, तो वो गाड़ी मतलब अनबैलेंस होकर लोग गिर गए। हम लोग गिरने के बाद में वो आगे जाके 3 लोग थे वो खड़े हो गए, उसमें से 2 गाड़ी को मतलब उतर के आ गए और 1 बंदा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था जैसे वो तो बैठा रहा और एक आया तो उसने मैंने उसको बोला, मैंने भैया क्या है ये, मैंने क्या नशन तला रोके गाड़ी, तो उसने मेरे को गाली दी। उसके बाद में उसने क्या करा कि इनको सर को जैसे कि इनके पास गया, सर के पास में इनने बोला भैया क्या है, तो वो इनके पास आया और इनके पास आने के बाद इनको कट्टा अड़ा दिया। कट्टा अड़ाने के बाद इन्हों से बैग छीन लिया और मैं तो सर उठा तो मैं क्या घबरा गया सर, घबराने में जैसे मैं उठा ऐसे में थोड़ा सा गाड़ी से उधर चला गया था। मक्सी रोड स्थित कागजी दोनापत्तल के कारखाने में लगी भीषण आग, बारदान का गोदाम भी जला, कोई हताहत नहीं। चिमंजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी इनर रोड छोटी मायापुरी क्षेत्र स्थित दोनापत्तल कारखाने में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। जिस गोदाम में आग लगी थी उसे गोदाम मालिक ने 4 हिस्सों में बांट रखा था। यहां बारदान व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अलग अलग हिस्सों में रखा था। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो और भी बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। हालांकि एक बारदान गोदाम तक आग पहुंच भी चुकी थी।
रात करीब 9:30 पर फायर ब्रिगेड को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद अमला मौके पर पहुंचा। यहां दिव्यांश ट्रेडर्स नाम से संचालित होने वाला दोना पत्तल कारखाने में आग लगी थी, जिसने इतना भीषण रूप ले लिया। इसे बुझाने में करीब 2 से 2.5 घंटों की मशक्कत लगी। 10 से अधिक वाटर लॉरी की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग समीप के बारदान गोदाम तक पहुंच भी गई थी। उक्त कारखाना सतीश प्रजापत का बताया जा रहा है, जो आग से खाक हो गया। लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। सूचना के अनुसार किसी जलते हुए पटाखे के कारखाने में गिरने से आग की बात कही जा रही है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ये चिमनगंज मंडी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सतीश ट्रेडर्स जो कि दोना पत्ते बनाने वाली फैक्ट्री थी और प्लस एक बाजू में लगी हुई बारदाना फैक्ट्री, दोनों में आग लगे। प्रारंभिक दृष्टि से कहीं स्पार्किंग की सूचना तो नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट वगैरह टकराने से आग लगी है। और अभी नगर निगम, अभी ये फायर ब्रिगेड की टीम प्लस अन्य कर्मचारी इसको आग बुझाने में लगे हुए हैं। काफ़ी आग पर काबू पा लिया गया है। जो भी थोड़ी बड़ी आग है उसको भी 10-15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन भी सारी व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। आपका भी कई और गोडाउन है, वहाँ पर क्या स्थिति है? नहीं, केवल 2 गोडाउन के अलावा तीसरी कोई गोडाउन में आग नहीं पकड़ा है। केवल बारदाना फैक्ट्री और दोना पत्ते बुलाने वाली जो सतीश ट्रेडर्स है, इन 2 फैक्ट्रियों को नुकसान पहुँचा है। अभी तक दमकल की लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी हैं? अभी 6 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो कंटिन्यू काम कर रही हैं। इसके अलावा टैंकर से भी पानी लाया जा रहा है तत्काल आग बुझाने के लिए। किसी हताहत होने की सूचना? नहीं नहीं, कोई जनहानि और किसी प्रकार की कोई जनहानि, किसी को चोट लगने, आग से जलने की कोई सूचना नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान व दीपदान को लेकर महापौर ने MIC सदस्यों के साथ किया शिप्रा का अवलोकन। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान व दीपदान के लिए श्रद्धालुओं के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने MIC सदस्य एवं निगम अधिकारियों के साथ रामघाट क्षेत्र का निरीक्षण किया व सफाई व्यवस्था रखने एवं घाट पर वस्त्र बदलने हेतु अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जाने के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही व सफाई कर्मियों से भी चर्चा की। हमारा कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगने वाला है, उसके बाद दीपदान का भी उत्सव होता है, तो काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, सब आती हैं दीपदान करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो उनको स्नान करने में, दीपदान करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, घाटों पर समुचित सफाई हो, हमारे कर्मचारी हमेशा तैनात रहें और वस्त्र बदलने के लिए उनके स्थान निर्धारित हो जाए, बन जाए, इन सारी बातों को लेकर के आए थे। और यहाँ पर एक बरसों से एक बड़ी समस्या चल रही है कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ लघु शंकर आदि की काफ़ी समस्या है। तो यहाँ देखा कि काफ़ी काम नहीं चल रहा लेकिन रुका हुआ है, तो मैंने यहाँ पर उसकी जानकारी ली और कहा कि उसको जल्दी जल्दी उसको पूरा करना है। नकली पुलिस बनकर 2 बदमाशों ने तलाशी के बहाने युवक की जेब से निकाले रुपए, विरोध करने पर मारे चाकू। शुक्रवार शाम लगभग 6:30 पर कालियादेह ग्राम में रहने वाला अल्ताफ पिता जाकिर पटेल नागजेरी चौराहा क्षेत्र से सेटिंग का काम कर महानंदा नगर चौराहे पर किसी अन्य व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। तभी बाइक पर आए 2 युवकों ने अल्ताफ को कहा कि वे पुलिस वाले हैं और मादक पदार्थ बेचने के शक में उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी लेने के दौरान युवकों ने अल्ताफ की जेब से लगभग 1,000 रुपए निकाल लिए और जाने लगे। अल्ताफ ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अल्ताफ के सीने और पसली पर घाव लगे हैं। घायल अल्ताफ को साथी तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल घायल अल्ताफ का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हम 2 जने थे, काम करके आ रहे थे और हमारे साथ में 3रा आदमी हमको लेने आ रहा था। हम वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े थे, बस वस रुकती है वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 युवक आए, गाड़ी पे से उतरे और हमको बोले कि हम ये क्राइम पुलिस से पुलिस वाले हैं, सादी ड्रेस में, हमको आपकी तलाशी लेनी, आप पाउडर और ये चाकू आपको लेके जा रहे हो। तो मैंने बोला, हम दोनों ने बोला कि ठीक है ले लो साहब तलाशी। हमने तलाशी वलाशी ली, एक के वो मेरा साइड में साथ में जो मेरा भाई था उसके पास से कुछ भी निकला पैसे से, तो उसको छोड़ दिया। और फिर मैं उसके बाद मेरी तलाशी ली, मेरे पास में पर्स निकाला और पर्स में से पैसे निकाले। कितने पैसे निकाले? 1,800 रुपये। फिर वो जाने लगी, मैंने उनसे बोला भैया पैसे दे जाओ, तो वो फिर भी उन्होंने, मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे को चाकू मार दिया। कैसे आपने फिर कहाँ शिकायत करी? हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आए अस्पताल में। कितने लोग थे और कैसे आए थे? 2 जने थे और वो आए थे बाइक से। हाँ, एक बाइक पे बैठा था और एक हमारे पास आ रहा था तलाशी वलाशी लेने के, वाहन आया और पैसे लेके जाने लगा। महानंदा।
पुलिस पेंशनर संघ ने महंगाई भत्ते सहित 403 मांगों को लेकर टावर चौक पर किया प्रदर्शन। पुलिस पेंशनर संघ ने केंद्र और राज्यों को दिए जा रहे असमान महंगाई भत्ते, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मांगों को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। संघ उपाध्यक्ष अशोक मंडलोई ने बताया कि हम विगत लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, किंतु मुख्यमंत्री द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, अतः हमने प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड प्रेषित किए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। पुलिस पेंशनर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। आज ये हमारे पुलिस पेंशनर संघ के बैनर के तले हमने आज पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है और हमारी मांगों को लेकर विगत दिनों में भी हमने ज्ञापन दिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी मांग मांगी नहीं गई। हमारी मांग ये है कि केंद्र में जो कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और राज्य में 28, ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसको समाप्त किया जाए और हमारा केंद्र के समान हमारा भी महंगाई भत्ता दिया जाए। और धारा 49(6) जिसको ये छत्तीसगढ़ की सहमति के नाम से अटका देते हैं, उस धारा को भी समाप्त किया जाए, इसी बात को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमने निवेदन किया है। साथ ही हमारे जो पेंशनर कर्मचारी अधिकारी है उनको निशुल्क 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए, इसी बात को लेकर आज ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। तो बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए पूरे सब डिपार्टमेंट के तो 5 लाख कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग के देखा जाए लगभग 1 लाख पुलिस कर्मचारी होंगे और 500 कर्मचारी उज्जैन जिले के होंगे। आज ये अभियान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, हर जिले में ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है और हर जिला अध्यक्ष ये काम को कर रहे हैं और सभी जगह आंदोलन रखा गया। सीमेंट कंक्रीट का कार्य करने वाले मजदूर की करंट लगने से हुई मौत, चिमंजगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। थाना पवासा क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड उद्योगपुरी में सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां लगभग 20 मजदूर कार्यरत थे। शाम को सभी मजदूर कार्य समाप्त कर चुके थे, तभी जिला बांसवाड़ा निवासी सोहन पिता महिपाल भील सामान रखने की हाथ गाड़ी लेने गया। वहां फ्लोटर मशीन का बिजली तार बिछा हुआ था जो लोहे की हाथ गाड़ी से टच हो गया। जैसे ही सोहन ने हाथ गाड़ी को छुआ तो वह करंट की चपेट में आ गया। उसके साथ एक दो बालक और भी थे जिन्होंने शोर मचाकर सबको बताया। सोहन को तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया। जिला चिकित्सालय में सोहन को मृत घोषित कर दिया गया। थाना पवासा ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के संबंध में सहकर्मी रोशन वाड़िया ने बताया। घटना स्थल यह हुआ था कि कंक्रीट का काम करने गए थे हम। अब कंक्रीट में क्या हुआ कि हम सब लोग बाहर थे, ये दो तीनों बालक गए थे अंदर गाड़ी लेने। अब वो करंट का वायर जो बिछा हुआ था हमारा फ्लोटर का, जो हम फ्लोटर चलाते हैं, उसका वायर पे इन्हें गाड़ी गिरी या गिरी हुई थी, क्या हुआ कैसे करंट लगा। 2 सेकंड बाद एक बालक दौड़ लगा के आया बाहर, बोले इसको करंट लग गया है। अब करंट लगने में हम 2 सेकंड भी नहीं हुए, उसको गए निकालने, तार वार निकाले, हॉस्पिटल ले गए गुलंबर हॉस्पिटल में। वहां से बोला कि सिविल ले जाओ, सिविल लेके आ गए। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।